अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ए मैन हैज 300 रुपीज 50 शेयर्स ऑफ ए कंपनी पेइंग 20% डिविडेंड. फाइंड हिज नेट इनकम आफ्टर पेइंग 3% ऑफ इनकम टैक्स. यहाँ पे जो उसकी इनकम हो रही है उस पे 3% का इनकम टैक्स भी काटा जा रहा है. तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए. मैन हैज 300 शेयर्स. तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 300. 50 शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 20% डिविडेंड. तो हम यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर यहाँ पे दी हुई है 50 रुपीज. तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 300 शेयर्स हम लोग निकालेंगे. तो 300 × 50 तो कितना हो गया, 15,000 रुपीज़ हो गया. ये इतनी नॉमिनल वैल्यू हो गई. रेट ऑफ डिविडेंड हमको दिया हुआ है 20%. रेट ऑफ डिविडेंड 20%. तो हम पहले यहाँ पे निकाल लेंगे कि एनुअल इनकम क्या हुई है, हो रही है उसकी. तो एनुअल इनकम इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ डिविडेंड. टोटल इन्वेस्टमेंट हमने देख निकाल लिया यहाँ पे, 15,000 इनटू रेट ऑफ डिविडेंड 20%. तो यहाँ पे ये कैंसिल किया तो ये हमारा आया 3,000 रुपीज़ का टोटल एनुअल इनकम हुई है. अब इस पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो इनकम हुई है उस पे 3% का इनकम टैक्स काट लिया है. रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया है, टैक्स इक्वल टू 3%. 3% मतलब क्या हुआ, 100 पे ₹3 उसने काट लिया. तो हमारी इनकम है 3,000 की. तो टोटल टैक्स यहाँ पे कितना होगा, 3,000 पे हम लोग निकाल लेंगे. 3,000 × 3/100 कैंसिल किया तो 90 रुपीज़ का टैक्स कटा. तो टोटल नेट इनकम कितनी है, नेट इनकम टैक्स कटने के बाद मतलब, इक्वल टू एनुअल इनकम माइनस टोटल टैक्स. कितना एनुअल इनकम हमारी थी, 3,000 रुपीज़. तो 3,000 माइनस टोटल टैक्स हमने ये निकाला 90 रुपीज़. तो ये हो गया, माइनस करेंगे तो 2,910. तो टैक्स काटने के बाद उस पर्सन की एनुअल इनकम होगी 2,910. ये आपका आंसर हो गया.